मैं अपनी वाइफ को पूरी तरह से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसके हर एक अंग को चाट लेता हूँ, किस कर लेता हूँ, चूस लेता हूँ, चुन लेता हूँ, और उसको बहुत अच्छा फील होता है, संतुष्टि मिलती है उसको। लेकिन जब बात आती है मेरी, कि मेरी जो वाइफ है वो मुझे हर जगह पे चूमे, चाटे, किस करे, खासकर जो मेरे प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे अगर चाटे और किस करे तो वो ना करती है, तुरंत नाक बना लेती है, मुंह बना लेती है। तो क्या कारण है मेरी वाइफ जो है मेरे प्राइवेट पार्ट को, या फिर मेरे प्राइवेट पार्ट को छूना, देखना या किस करना नहीं चाहती है, बस वो इंटरक्रॉस कराती है और फिर साइट हो जाती है, क्या कारण है ऐसा? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लड़की की कोई गलती नहीं है, वो आपको पूरी तरह से भरपूर मजा दे सकती है, प्यार कर सकती है, लेकिन यहाँ पे आपकी कुछ गलतियाँ हैं जिसके चलते वो यहाँ पे नानुकुर करती है ना? क्या होता है, जो लड़के होते हैं ना अपने प्राइवेट पार्ट की देख रेख नहीं करते हैं, साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं रखते हैं। सबसे पहले तो वहाँ का जो हेयर है बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे अगर आपकी वाइफ किस करेगी तो उसको थोड़ा सा ख़राब लगता है। एक दो तो बार वो ज़बरदस्ती फोर्स आप करोगे तो कर लेगी, देन वो अपने मन से इस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो वहाँ पर जो हेयर है बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं तो वहाँ पर कट कर लो, ठीक है। दूसरा चीज़, आपका जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ से अगर गंदा सा स्मेल आ रहा है या फिर डर्ट जमा हुआ है, फोरिस के नीचे करके वहाँ पे वाइट वाइट कुछ जमा हुआ है, उस चीज़ को आप सफाई नहीं करते हो तो इस गंदी चीज़ को वो मुंह पे लेना पसंद नहीं करती है। तो दूसरा चीज़ ये है, आपको वहाँ पे सफाई करना है, क्लीन करना है। जब भी आप नहाते हो या बाथरूम जाते हो, सुसु करने जाते हो, तो आप थोड़ा सा धो लो ना, सुसु करने गए हो और फिर आए हो तो सुसु का स्मेल कहाँ जाएगा, उसी पर तो रहेगा ना, एक दो बूंद उसी पे रह जाएगा तो वो स्मेल कहाँ जाएगा। तो आप जब भी टॉयलेट जाते हो, सुसु करने जाते हो, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा पानी लेके फॉरेस्ट के नीचे करके वो थोड़ा सा धो लो, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। और जब भी आप नहाने जाते हो तो हल्का सा गुनगुना पानी लो और अपने फॉरेस्ट स्किन को नीचे करके उसको साफ कर लो, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर इस टाइप से आप ध्यान रखोगे अपने प्राइवेट पार्ट का, देन सफाई करने के बाद नहा के जब आप आते हो तो नारियल तेल का तेल लगा लो वहाँ पे, और इस तरीके से अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखते हो तो कभी भी आपकी वाइफ जो है ना मुंह पे लेने से मना नहीं करेगी। ये सच में है, आप इस चीज़ को ट्राई कर लेना। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, आईडी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं ऐसी कुछ और बोल्ड टॉपिक के साथ। ओके, बाय।